अस्सलाम वालेकुम। मैं आपको ना बेस बनाना बता रही हूँ। ईद पे ना, ईद पे आपको मैं बताने लगी हूँ कि आप ना क्या सामान सेलेक्ट करें, या गर्मी में ऑयली स्किन के लिए आपके पास क्या चीज़ होनी चाहिए, इनमें से क्या क्या होना चाहिए जिससे आपकी जो है परफेक्ट बेस बन जाए। अगर आप बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं लेना चाहती, या हाउस वाइफ है, तो अगर आपको मेकअप कम पसंद है, तो आप क्या क्या चीज़ें लें तो आपकी बेस बन जाएगी। सिर्फ मैं मुकम्मल बेस की चीज़ें आपको बताने लगी हूँ। ये देखें, या आप सिर्फ ग्लोई टेक ले सकते हैं। ये देखें, पहले आपको मैं बेस जो हम फेस पे लगाने के लिए हमें चाहिए कोई भी क्रीमी चीज़, ये देखें, ये ग्लोइट, ये बहुत मशहूर है पाकिस्तान में बेस। अगर आपको मेकअप लाइट पसंद है, ये मैं घर के लिए लाइट से मेकअप के लिए चीज़ें बता रही हूँ। अगर आपको हैवी इसको करना होगा ना, तो फिर वो आप हैवी से, मेरी और वीडियोज़ हैं वो देखें इन चीज़ों बेसों पर, तो आपको हैवी बेस बनाना आ जाएगी। ये देखें, ये कलर अपनी मर्ज़ी से ले लें, लेकिन इसका ये जो है ना एवरी कलर ये है ग्लोइट का। और ये देखें, ये डर्मा D5, ये थोड़ा सा ना सांवला सांवला से कलर होता है, तो आप अपनी मर्ज़ी से वहाँ जहाँ जाएंगे ना, तो अपनी मर्ज़ी से कलर ले लें, लेकिन मैं आपको लाइट से बेस के लिए ना चीज़ें बता रही हूँ। ये एक ले सकते हैं, ये भी 2400 की है, 2500 की एक, लेकिन यही 5 550 की है। तो इसी तरह आप जो है ना क्रिस्टेन की 45 डर्मा एक्स ये ले सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो है ये 38, अगर आपका बहुत फेयर स्किन नहीं है तो 38 नंबर क्रिस्टेन का स्टिक ले लें। और इसके अलावा जो है 45 ये ले लें, मतलब मैं बता रही हूँ इनमें से कोई एक भी ले लेंगे तो आपकी बेस बन जाएगी। ये कलर तो बहुत बेस्ट है, अगर आपका कलर फेयर है या मीडियम है तो ये बहुत बेस्ट है, ये वाली जो बेस है। और अगर आपके हल्के हैं, छाइयाँ वगैरह हैं, दाग धब्बे हैं, तो आपको ये जो है ना क्रिस्टेन की ऑरेंज ऑरेंज ना क्रिस्टेन की जो ऑरेंज होती है, ये आपको लेनी होगी। अगर आपके ज़्यादा हल्के हैं, दाग धब्बे हैं, तो इनमें से कोई भी लेके क्रिस्टेन की ऑरेंज ले लें साथ, नीचे ये लगा के फिर ऊपर में से इनमें से कोई भी एक लगा के। तो आपने लूज़ पाउडर के लिए आपको स्कॉट बहुत बेस्ट है, 3 नंबर, ये फेयर पे भी है, मीडियम टू फेयर के लिए स्कॉट नंबर हल्का सा पीछी कलर होता है। इसी तरह जो है ये क्रिस्टेन का कैरालोन का आपको तो पता है बेस्ट है, ये 9 कलर भी अच्छा होता है, 9 ही लेना, TL 11 ले लें या TL 9 ले लें। 9 का कलर ये थोड़ा सा ऐसा होगा, इस तरह का होगा, लेकिन अगर आप वो TL 11 लेंगे तो थोड़ा सा कलर जो है इससे मतलब फेयर में होगा। और अगर आप सस्ते में लेना चाहती हैं तो फिर आप जो है ना ये क्रिस्टेन की ये वाला लूज पाउडर पीची, अगर आपका कलर पीची पीची है तो पीची ले लें, अगर आपका कलर थोड़ा आपको येलो में बेस चाहिए तो फिर वो नंबर आप खुद वहाँ से देख के ले लें, लेकिन ये हल्का सा पीची है, पिंक पिंक है, पिंक पिंक सा ना फेयर सा पिंक सा है शेड, हल्का सा पिंक है। ये 350 400 की आ जाती है। अगर आपको मतलब बहुत ज़्यादा महंगी पैसे नहीं चाहिए तो मैं उसके लिए बता रही हूँ कि सस्ती चाहिए तो ये लूज पाउडर ले लें, महंगी में चाहिए तो ये ले लें, ये स्टिक्के ले लें, ये बेस्ट है ये ले लें, ये सस्ती में है ये ले लें, एक लूज पाउडर ले लें। फिर अब हमने नीचे ये लगा के ऊपर से लूज पाउडर लगा लेना है गर्मियों में, ठीक है। गर्मियों में कोई भी लूज पाउडर इनमें से कोई भी एक लगा के हमने गर्मियों में ऊपर से लूज पाउडर लगा लेना है ईद पे। और ये देखें, देख लिया, ये देखें 3 in 1, इसमें ब्लशन भी होते। ये देखें एक ही हाइलाइटर ना, इस तरह का कोई भी इस कंपनी का ले लें, ये कि ये सस्ता सा है, 300 400 का है, 350 का या 400 का है, इतने में है। ये देखें, ये एक तरफ ये गोल्डन है हल्का सा और एक तरफ सिल्वर है, तो इसके एक ही लेने का मतलब है, किसी भी कंपनी का ले लें या इसी का ले लें, इसी में ब्लश ऑन भी बहुत बेस्ट है, और इसमें और भी सिल्वर शाइनर में भी होते हैं, और भी शाइनर हैं, ऑप्शन है इस कंपनी में, बहुत सारे ऑप्शन हैं। ये देखें, बेस बना के ना इसको हाइलाइटर के तौर पर ये वाला, मैं आपको, मेरे पास बहुत सारे हैं लेकिन मैं आपको सस्ता में कम में ये बता रही हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे और भी बहुत सारी चैनल पर वीडियोज़ हैं उनको भी देखें, सब्सक्राइब करें चैनल को। और पाउडर लगाने के लिए इस तरह का आपको पफ लेना होगा, तो इस तरह की जो है ना ये बेस लगाने के लिए आपको
पफ लेना होगा, ये कोई भी जो स्टिकी बेस है ना, जो क्रीमी बेस है, इस तरह के पफ से ना अच्छी लगती है। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।